आज के समय में नए नए कोर्सों की दरकार है, जिससे छात्र नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएं और नई तकनीक के साथ चल सकें और करियर बना सकें। यही वजह है कि देश में नए नए कोर्सों को लॉन्च किया जा रहा है। इस कड़ी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT नागपुर ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए 4 नए BTech कोर्सों को शुरू किया है। IIT नागपुर ने ये कोर्स बढ़ते टेक्नोलॉजी ट्रेंड को देखते हुए शुरू किए हैं। इन कोर्सों को करने के बाद कैंडिडेट के लिए एम्प्लॉयमेंट के काफी अवसर मिलेंगे। आपको बता दें कि IIT नागपुर ने कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। नए लॉन्च किए गए कोर्सेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, गेमिंग टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कोर्स शामिल हैं। इसके साथ ही IIT नागपुर ने इस साल BTech कैंडिडेट के लिए सीटों की संख्या भी बढ़ा दी है। IIT नागपुर द्वारा शुरू किए गए इन नए कोर्सों की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और एनालिटिक्स कोर्स BTech CSE स्ट्रीम के तहत लॉन्च किए जा रहे हैं, जबकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोर्स BTech ESE स्ट्रीम के तहत लॉन्च किया जा रहा है। छात्रों के लिए अच्छी बात यह है कि इस साल सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। दोस्तों, 4 नए कोर्सेस के जुड़ने के बाद BTech कोर्सेस के लिए कुल 264 सीटों की वृद्धि की गई है, और इससे पहले BTech CSE स्ट्रीम के लिए कुल सीटें 223 थी। ऐसे छात्र जो IIT नागपुर से BTech करना चाहते हैं और एडमिशन पाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। इसमें कोर्स की फीस की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट को एकेडमिक ईयर 2022-23 में फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए कुल फीस की बात करें तो 2,47,000 रुपये का भुगतान करना होगा। IIT नागपुर द्वारा एक सेमेस्टर की फीस 1,23,500 रुपये ली जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं करियर और एजुकेशन के वीडियो आप जरूर पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो छुपाने के लिए करियर पीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।